राजस्थान पत्रिका संपादकीय गति 100 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। किसी शायर ने बड़े मार्के की बात कही है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है स्टॉप। लेकिन भारतीय राजनीति में कुछ नेता बात कहने के सलीके से कितनी दूर है, यह कर्नाटक विधानसभा में बलात्कार पर कांग्रेस विधायक के आर रमेश कुमार की अभद्र टिप्पणी से फिर साफ हो गया स्टॉप। इस पर बवाल के बाद उन्होंने माफी मांग ली स्टॉप। कांग्रेस ने मामले को कड़ी निंदा तक सीमित रखा स्टॉप। वह लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री को हटाने की मांग करती है, लेकिन विधानसभा में मर्यादा को तार तार करने वाले अपने विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी नहीं समझती स्टॉप। कर्नाटक विधानसभा में ही 9 साल पहले मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देखने के मामले में भाजपा के 3 मंत्रियों को न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा था कौमा उनके विधानसभा में प्रवेश पर रोक भी लगा दी गई थी स्टॉप। पैरा रमेश कुमार की यह सफाई गले नहीं उतरती कि उन्होंने विधानसभा में अपनी बात कहने के लिए बलात्कार पर एक अंग्रेजी कहावत का सहारा लिया था। हर भाषा का अपना अलग मिजाज और वर्ग होता है। अंग्रेजीदा वर्ग में जो कहावत मान्य हो, जरूरी नहीं कि भारतीय समाज के संदर्भों में भी उसे स्वीकार कर लिया जाए स्टॉप। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी अपनी अंग्रेजी विचारधारा से आलोचना के घेरे में आ चुके हैं। कुछ दिनों पहले ट्विटर पर महिला सांसदों के साथ अपनी तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, कौन कहता है लोकसभा काम करने के लिए आकर्षक जगह नहीं है स्टॉप। महिलाओं को आकर्षण बताने के लिए आलोचना से घिरने के बाद उन्हें भी माफी मांगनी पड़ी थी। यह वाकई चिंताजनक है कि कुछ नेता अपने देश की संस्कृति सभ्यता और सामाजिक मान्यताओं के विपरीत आचरण कर रहे हैं स्टॉप। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक यह है कि ऐसे नेताओं पर अंकुश के लिए शीर्ष स्तर पर ठोस संकेत नहीं मिलते स्टॉप। कर्नाटक विधानसभा में जब रमेश कुमार अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, किसी ने उन्हें टोकना जरूरी नहीं समझा स्टॉप। दुर्भाग्यपूर्ण यह कि ज़्यादातर सदस्य उनकी टिप्पणी पर हंसते रहे स्टॉप। यह सदन में मर्यादा के चीरहरण से कम नहीं है। इस तरह का चीरहरण राष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए। इस परिपाटी को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि नेता पहले अभद्र टिप्पणी करें और फिर माफी मांग कर कर्तव्य की इतिश्री कर लें। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के अमर्यादित आचरण से जनता में गलत संदेश जाता है। जनता के समक्ष उदाहरण पेश करने के लिए बगैर सोचे समझे बोलने वाले ऐसे नेताओं पर पार्टियों की कड़ी कार्रवाई से नहीं हिचकना चाहिए स्टॉप। पैरा ईश्वर की भूमि केरल के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं स्टॉप। बाढ़ और कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद राजनीतिक हत्याएं नई समस्या बन रही हैं स्टॉप। शनिवार रात अज्ञात हमलावरों ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ADPI के राज्य सचिव KN शान की हत्या कर दी स्टॉप। इसके बाद रविवार सुबह भाजपा OBC इकाई के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन की घर में घुसकर हत्या कर दी गई स्टॉप। इन हत्याओं के बाद राज्य की राजनीति में नया उबाल आ गया है। आलापुझा जिले में हुई इन दो हत्याओं के बाद
आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। स्टॉप। ADPI ने RASS पर हत्या का आरोप लगाया है। स्टॉप। वहीं केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से यह काम इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप ने किया है। केरल के कन्नूर जिले में RASS और माकपा के बीच होने वाली बदले की कार्रवाई के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं, लेकिन अब यह आग अन्य जिलों में भी फैलने लगी है। उधर राज्य में स्कूल यूनिफॉर्म का मुद्दा भी लगातार गर्मा रहा है। इस बीच कोरोना का कहर राज्य में लगातार जारी है। एक दिन में सर्वाधिक रोगी मिलने का रिकॉर्ड भी लगातार राज्य के नाम ही है। वाम मोर्चा सरकार की महत्वाकांक्षी सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना सिल्वर लाइन के विरोध में कांग्रेस नीत UDF ने जमीनी विरोध शुरू किया है। हालांकि UDF को कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर का साथ नहीं मिल पाना भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा में है। स्टॉप। पैरा। संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी और गेम थ्योरी के विषयों ने कई उल्लेखनीय अवधारणाएं और उपकरण पेश किए हैं जो न सिर्फ इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उपयोगी हैं अपितु जिन्होंने व्यापार और प्रबंधन के क्षेत्र पर भी गहरा प्रभाव डाला है। गेम थ्योरी का उल्लेखनीय योगदान संचालन प्रबंधन और रिसर्च तक के क्षेत्र सीमित नहीं है। स्टॉप। इसकी अवधारणाओं को प्रबंधन के अन्य पहलुओं के साथ वित्तीय और जोखिम प्रबंधन और प्रतिस्पर्धा रणनीति पर भी लागू किया गया है। स्टॉप। पैरा। एक खेल में विरोधियों की चाल का अनुमान लगाने के लिए गणितीय और संभाव्य विश्लेषण प्रतिद्वंद्वी या विरोधियों का मुकाबला करने या उनसे जीतने के लिए कार्रवाई के विभिन्न विकल्पों के लिए खिलाड़ियों प्रशिक्षकों सशस्त्र बलों और यहां तक कि व्यापार रणनीतिकारों द्वारा भी इसका अभ्यास किया जाता है। स्टॉप। चूंकि लीडर मुख्य रूप से रणनीतियों को तैयार करने और एक संगठन की भविष्य की दिशा निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, कॉमा खेल खेलने की रणनीति और अगले कदम की समझ इस भीषण प्रतियोगिता वाले निरंतर व्यवधान के युग में नेतृत्व प्रभावशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। स्टॉप। जब एक लीडर एक खेल खेलने के समान संवेदनशीलता और व्यवसाय के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करता है तब वह संगठन के मिशन और लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बेहतर ढंग से आगे बढ़ने में सक्षम होता है। स्टॉप। पैरा। नेतृत्व विशेषज्ञ और लेखक साइमन सिनेक ने अपनी पुस्तक द इन्फिनिटी गेम में गेम थ्योरी के दृष्टिकोण से नेतृत्व के बारे में चर्चा की है। उनका तर्क है कि एक व्यवसाय एक ऐसे ही अनंत खेल यानी इन्फिनिटी गेम का एक हिस्सा है। आइए इस सप्ताह हम जानते हैं कि अनंत खेल का क्या अर्थ है और इसका व्यवसाय से क्या संबंध है। गेम थ्योरी खेल को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत करती है जिनमें से एक गेम प्ले अर्थात खेल खेलने की समय सीमा है। स्टॉप। पैरा। इस आधार पर खेलों को परिमित और अनंत खेलों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक परिमित खेल तीन प्रमुख विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, ज्ञात खिलाड़ियों का एक समूह, पहचानने योग्य प्रतियोगियों और सहयोगी, निश्चित और अच्छी तरह से परिभाषित
खेल के नियम और एक विशिष्ट उद्देश्य या लक्ष्य जिस पर सामान्यतः सभी खिलाड़ी सहमत होते हैं। स्टॉप, उदाहरण के लिए क्रिकेट 11 खिलाड़ियों की दो टीमों के बीच खेला जाता है, इसमें नियम तय होते हैं। और लक्ष्य, प्रतिद्वंद्वी टीम की तुलना में अधिक रन प्राप्त करना होता है। इसके विपरीत एक अनंत खेल में कितने भी ज्ञात और अज्ञात खिलाड़ी हो सकते हैं। नियम गतिशील होते हैं और बदलते रहते हैं। और लक्ष्य या उद्देश्य, खेल में बने रहना, खेलना और स्थिर बने रहना। एक अनंत खेल निरंतर आगे बढ़ता रहता है। स्टॉप।